एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है पेटीएम के लेके। पेटीएम को गूगल ने अपने साइट गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है, और हटाने के पीछे वजह क्या बताया है, किस वजह से बताया है, आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और आपका अगर पेटीएम में पैसा है तब उन पैसों का क्या होगा, आप लोग पैसे का लेन देन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पेटीएम को यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और पेटीएम दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पर कब आएगा, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, सारे इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अभी तक हमारे टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मोर से टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैन होने के बाद पेटीएम ने किस वजह से बैन किया पेटीएम को, ठीक है। तो देखिए, गूगल प्ले स्टोर का कहना है कि हम किसी भी ऐसे साइट को प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे किसी भी ऐसे साइट या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने साइट पर रखने का अनुमति नहीं देते हैं कि जो कैसीनो या जैसे जुआ जैसे चीज़ों को प्रमोट करता हो, जैसे ऐसे चीज़ों का परमिशन देता हो खेलने के लिए, ठीक है। और पेटीएम में ऐसा चल रहा था, पेटीएम कैसीनो या जैसा भी हो रमी उमी इस तरह के खेलने का प्रमोशन कर रही थी, ठीक है। इस वजह से पेटीएम को बैन कर दिया गया, पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है, ठीक है। तब हम बात करते हैं गूगल सॉरी अब हम बात करते हैं पेटीएम ने ट्वीट करके बताया है कि हम बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम फिर जल्दी से ही गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, हम फिर दोबारा से आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाके पेटीएम को डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन इसका कोई समय नहीं दिया कि कितने दिनों में सही हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं कि पेटीएम मॉल जैसे और इससे जैसे पेटीएम से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर थे अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी भी आप लोग उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको पैसों का लेके और आपको लेन देन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पेटीएम से। तो देखिए, पेटीएम ने बोल दिया, ट्वीट करके बोल दिया है कि आपके पेटीएम वैलेट पर आपके पेटीएम अकाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग पेटीएम में पहले जैसा ही ट्रांजेक्शन पहले जैसा ही लेन देन कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त रखिए कि आपका जो भी कोई नया अपडेट आएगा तो बस पेटीएम को अपडेट नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बाकी आपका जो वैलेट में पैसा आपका पैसा रहेगा, और आप पेटीएम से लेन देन करते हैं तो आप लोग पेटीएम से लेन देन भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से हटने के बाद भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था आप लोग को, बस एक छोटी सी जानकारी थी। और गूगल प्ले स्टोर पर फिर दोबारा से पेटीएम कब लौट के आता है और इसकी ऐसी कोई भी जानकारी आती है तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के आपको देने के लिए एक कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस एक छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे से टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ।